वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो पूरा वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो भी टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, एंजेलिक केरबर ने हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीत लिया है। तो पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी एंजेलिक केरबर ने महिला एकल फाइनल में 7 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स को पराजित किया है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी में लिखी हुई है, सेरेना विलियम्स, इनको पराजित किया और उन्होंने पहला अपना विंबलडन खिताब जीत लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो सेरेना विलियम्स की जो हार हुई है, इसकी हार के बावजूद सेरेना विलियम्स 181वीं रैंकिंग से आगे बढ़कर अब उनकी कुल 28वीं रैंक हो गई है। तो इनको इस रैंकिंग में फायदा हुआ है सेरेना विलियम्स को। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एंजेलिक केरबर ने जीता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विंबलडन ओपन टेनिस की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की जो शुरुआत है वो 1877 में की गई थी और टेनिस की जो चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हैं उनमें ये सबसे पुराना है। ठीक है, जिसका आयोजन कहाँ पर होता है, लंदन में होता है जो कि ब्रिटेन की राजधानी है। अब देखिए एक चीज आपको और पता होना चाहिए कि ये जो टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट बोलते हैं, ये कुल वर्ष में 4 आयोजित की जाती है जो कि क्रमानुसार होते हैं। वर्ष के सबसे पहले शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट होता है, इसके बाद होता है फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट होता है, इसके बाद विंबलडन होता है और इसके बाद यूएस ओपन टूर्नामेंट होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन घास के मैदान में खेला जाता है। तो आपको पहले क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में किसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा वाराणसी बलिया MEMU यानी मेमू ट्रेन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो देखिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और वाराणसी बलिया मेमू ट्रेन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाराणसी में पूंजीभूत रूप से 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी है। ठीक है, 900 करोड़ रुपए से अधिक की 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो परियोजनाएं हैं, दोनों परियोजनाएं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए ये है मैप उत्तर प्रदेश का, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। देखिए आपको मैप इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि मैप बहुत ही अनिवार्य है और मैप की सहायता से आपको बहुत ही क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, तो यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के गवर्नर है राम नाइक। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है जहाँ की खंडपीठ लखनऊ में है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश की लोकसभा से कुल कितनी सीटें आती हैं, तो लोकसभा से इसकी कुल 80 सीटें और राज्यसभा से कुल 31 सीटें, जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दूँ जो कि परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कि कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश का है। साथ ही साथ रासलीला, नौटंकी और कजरी ये भी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। तो आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन सा देश विश्व सीमा शुल्क संगठन की एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है। तो देखिए हाल ही में भारत देश, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, भारत देश विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना है। तो भारत दो वर्ष की अवधि के लिए यानी कि जुलाई 2018 से जून 2020 तक के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन यानी WCA के एशिया प्रशांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष बन चुका है और हाल ही में इसने अपनी जो है सदस्यता ग्रहण कर ली है।
अब यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन डी जो भारत सही है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि विश्व सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए ये है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। साथ ही साथ WCO यानी कि जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है इसके जो है महासचिव कौन है, कुनियो मिकुरिया जो कि जापान के महासचिव है, ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य में दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया, तो देखिए हाल ही में राजस्थान राज्य में दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो 13 जुलाई 2018 को जयपुर में दूसरा राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया है और सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक हाउलियान गुइटे ने किया था, ठीक है, और यहाँ पर कई पर्यावरण और पर्यटन से संबंधित वहाँ पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अब यहाँ पर देखिए बात की गई है राजस्थान की, तो देखिए ये है मैप राजस्थान का जहाँ की राजधानी है जयपुर और राजस्थान की CM है वसुंधरा राजे सिंधिया और वहाँ की राज्यपाल है कल्याण सिंह, ठीक है। अब राजस्थान से लोकसभा की कुल 25 सीटें आती हैं, राज्यसभा से कुल 10 सीटें आती हैं और वहाँ की विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। जबकि राजस्थान से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि घूमर और पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य के हैं, तो ये राजस्थान राज्य से ही संबंधित है। तो आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पांचवा, केंद्र सरकार ने कितने जिलों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया है, तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के सभी 698 जिलों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण लॉन्च किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर इन सभी जिलों की एक रैंकिंग प्रदान की जाएगी और आकलन की मानक शौचालयों की उपलब्धता रहेगी, शौचालयों का कितना उपयोग होता है, उनकी स्वच्छता और गंदगी की स्थिति के आधार पर रैंकिंग जारी की जाएगी और ये एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से ये सर्वेक्षण कराया जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अपराधों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो देखिए हाल ही में कुल 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी कि MCA ने कंपनी अधिनियम 2013 के अपराध प्रावधानों की समीक्षा के लिए श्री इंजेटी श्रीनिवास, ठीक है, श्री इंजेटी श्रीनिवास की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और ये जो समिति है वो अपनी केंद्र सरकार को कुल 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, किसके संबंध में, अपराधों की समीक्षा के संबंध में। अब देखिए कॉरपोरेट मामलों में ही जो अपराध होते हैं उन्हीं की ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और वर्तमान में कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल है। तो आपका छठवां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो देखिए हाल ही में एल्वा नील ने, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एल्वा नील वलारवेन ने जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो देखिए हाल ही में जो 28वीं महिला एयर राइफल स्वर्ण प्रतियोगिता हुई थी तो उन्होंने वहां पर स्वर्ण पदक जीता है, तो इटली की निकोल गैब्रियानो को उन्होंने पराजित किया और उन्हें कुछ 250 उन्होंने कुल 250.8 का स्कोर किया था और टॉप पर रही, इसलिए उनको ये स्वर्ण पदक मिला है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, ताल शिप रेस 2018 में भारत की ओर से कौन सा नौसैनिक वाहन प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो देखिए ताल शिप रेस 2018 में INS तरंगिनी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, INS तरंगिनी भारत की ओर से ये नौसैनिक वाहन भाग लेगा। तो INS तरंगिनी प्रतिष्ठित ताल शिप रेस 2018 में भाग लेने के लिए लुकायन 18 यात्रा के दौरान अपने 7वें बंदरगाह ब्रिटेन के सडरलैंड में पहुंच गया है और ये जो पोत है ये 10 अप्रैल को कोच्चि से लोकायन 18 के लिए शुरू किया गया था और ये जो पोत है वो 20,000, ठीक है, 20,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा। तो ये जो भारत का नौसैनिक वाहन है तो ये 20,000 की दूरी, 20,000 नौसैनिक मील जो है उसकी दूरी तय करने के बाद यहाँ पर इस टॉल शिप रेस में भाग लेगा, यानी कि जो जहाजों की रेस होगी प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेने के लिए तैयार है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौवां, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की खाली सीट प्राप्त की है, तो देखिए हाल ही में आइसलैंड ने
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अमेरिका की खाली सीट प्राप्त की है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले की करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है उससे अमेरिका देश बाहर हो गया है, तो उस सीट को जो खाली हो गई थी उसके लिए चुनाव हुआ, तो उस चुनाव में आइसलैंड का चयन किया गया। तो ये जो मतदान हुआ था उसमें आइसलैंड को कुल 172 वोट प्राप्त हुए थे और उसका चयन किया गया। ठीक है, तो नए सदस्य के रूप में आइसलैंड ने सदस्यता ग्रहण की है। अब यहाँ पर देखिए आइसलैंड की बात की गई है, तो देखिए ये है मैप और ये है आइसलैंड। इसकी राजधानी है रिकजावी और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीर हेमलर हार्डे और यहाँ की मुद्रा है आइसलैंडिक क्रोना। ठीक है, तो आपको 9वां क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले रंगीन एक्सरे का मानव पर प्रदर्शन किया है? तो देखिए हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले रंगीन एक्सरे का मानव पर प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव पर पहली बार 3D रंगीन एक्सरे का प्रदर्शन किया है और ये जो डिवाइस है वो पारंपरिक एक्सरे पर ही आधारित है। ठीक है, और इसमें रंगीन एक्सरे इमेजिंग अधिक सटीक चित्र प्रदर्शित करेगी और डॉक्टरों को और उनके मरीजों को अधिक सटीक निदान प्रदान करने में ये एक्सरे मदद करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों की बात की गई है, तो ये देखिए न्यूजीलैंड देश मैप में आप देख रहे होंगे और इसकी राजधानी है वेलिंगटन जबकि इसका बड़ा शहर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? हेलेन क्लार्क हैं और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, इसके लिए जाना जाता है न्यूजीलैंड देश। और यहाँ के जो मूल निवासी है यानी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। ठीक है, माओरी ये जो नाम है वो न्यूजीलैंड के मूल निवासियों का है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। तो आपका 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। नीति आयोग ने कितने शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 15 सूत्री योजना प्रस्तुत की है? तो देखिए हाल ही में नीति आयोग ने 10 शहरों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए 15 सूत्री योजना प्रस्तुत की है। तो नीति आयोग ने दिल्ली, कानपुर और वाराणसी समेत कुल देश के 10 प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम शुरू की है और ये ब्रेथ इंडिया शीर्षक से इन सब कार्यक्रम को लॉन्च किया जा रहा है। और इसमें क्या होगा कि जो भी वायु प्रदूषण की समस्याएं हैं उन शहरों में उनको सॉल्व किया जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, आगरा, गुड़गांव, मुजफ्फरपुर, लखनऊ, पटना देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में शामिल किए गए हैं। तो इन्हीं में ये जो है परियोजना लॉन्च की गई है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी किसने लॉन्च किया है? ये की है नीति आयोग ने। तो आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर और वर्तमान में यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और इसका मुख्यालय वर्तमान में नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं और CEO है अमिताभ कांत। तो आपको 11वें क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश पर हथियार प्रतिबंध लगाया है? तो देखिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर हथियार प्रतिबंध लगाया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसने दक्षिण सूडान पर हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए 13 जुलाई पर अपनी मुहर लगा दी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कहना है कि हथियार की प्रतिबंध से ही वहां पर शांति का माहौल होगा लेकिन वहां के जो पड़ोसी देश है उन्होंने इस चीज का विरोध भी किया है। लेकिन यहाँ पर देखिए दक्षिण सूडान की बात की गई है, तो देखिए ये है विश्व का मैप, इसमें है दक्षिण सूडान और ये उत्तर पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का है और इसकी राजधानी है जूबा। ठीक है, दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ की राष्ट्रपति है सालवा कीर और यहाँ की मुद्रा है दक्षिण सूडानी पाउंड। तो आपको 12वें क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं कल की कुछ का आंसर। तो देखिए कल की कुछ का आंसर है ICC, क्योंकि आपसे पूछा गया था कि गेंद से छेड़छाड़ के दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 6 टेस्ट और 12 वनडे का प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ICC ने लगाया है।
आज की कुछ का सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में मिड डे मील योजना के तहत अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, अगर आपने पिछली वीडियोस को लगातार सही से देखा है तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिए, आपको पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके लिए यहाँ पर शामिल किया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और अगर आपने कल की करंट अफेयर जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर का टेस्ट नंबर 13 नहीं देखा है तो साप्ताहिक यानी वीकली करंट अफेयर की टेस्ट वीडियो आपके सामने स्क्रीन इंड स्क्रीन में दिख रही होगी, तो इस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।